और राकेश ने भी जब 2019 में अपने कॉलेज में एडमिशन करवाया तो उसके ऊपर भी इन्हीं बातों का स्ट्रेस था कि 4 साल बाद उसकी जॉब लगेगी या नहीं। और राकेश यहाँ पर तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच का स्टूडेंट था, ना ही CSIT का ना ही ECE का, यानी कि ऑलमोस्ट एक कोर ब्रांच का स्टूडेंट था। इसी बात के स्ट्रेस में राकेश अपने कॉलेज शुरू करता है और बस वो एक काम करता है। अब इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में मैं तुम्हें कहानी सुनाने वाला हूँ राकेश की। राकेश एक ऐसा इंसान जो कि एक थर्ड ईयर कॉलेज से बिलोंग करता था। मैं उस कॉलेज का नाम तो तुम्हें एक्सपोज नहीं कर सकता बिकॉज ये बहुत ही पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, पर मैं तुम्हें यह बता सकता हूँ कि एक बहुत ही डिसेंट सा, एक बहुत ही जेनरिक थर्ड ईयर कॉलेज था जो कि किसी हाईवे पर लोकेटेड था, दिल्ली NCR में। अब अगर कोई भी इंसान एक थर्ड ईयर कॉलेज में जाता है तो हम सबको पता है प्लेसमेंट और जॉब की स्ट्रेस उसे 4 साल तक रहती है। थर्ड ईयर इंजीनियरिंग कॉलेजेस में बहुत ही हाई चांसेस है कि तुम्हारे बहुत ही बेसिक या फिर एक बहुत ही एवरेज पैकेज की प्लेसमेंट लगेगी, और जो कोर ब्रांचेस के हैं यानी कि जो CSIT और ECE ब्रांचेस के नहीं है उन बच्चों की प्लेसमेंट लगेगी या फिर नहीं इस बात की भी कोई गारंटी नहीं होती है। और राकेश ने भी जब 2019 में अपने कॉलेज में एडमिशन करवाया तो उसके ऊपर भी इन्हीं बातों का स्ट्रेस था कि 4 साल बाद उसकी जॉब लगेगी या नहीं। और राकेश यहाँ पर तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच का स्टूडेंट था, ना ही CSIT का ना ही ECE का, यानी कि ऑलमोस्ट एक कोर ब्रांच का स्टूडेंट था। इसी बात के स्ट्रेस में राकेश अपने कॉलेज शुरू करता है और बस वो एक काम करता है कि वो अपना LinkedIn प्रोफाइल बना लेता है। उसने कहीं से आर्टिकल में पढ़ा था कि उसे LinkedIn प्रोफाइल बनाना चाहिए जहां पर उसके कनेक्शन बढ़ेंगे जो कि उसके जॉब देने में हेल्प करेंगे। इसीलिए उसने अपना LinkedIn प्रोफाइल बना लिया और हर महीने या फिर हर वीक उस LinkedIn प्रोफाइल पे अपने कॉलेज के बारे में, अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में, सेल्फ प्रोजेक्ट, मिनी प्रोजेक्ट्स या फिर कुछ भी एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट्स जो कि उस कॉलेज में वो करता था उनको पोस्ट करना शुरू कर दिया, उनके बारे में, उनका हाउ टू, उनका आउटकम एंड मैनी मोर। इस तरीके से 4 साल बाद जब 2023 में उसके ग्रेजुएट होने की बारी आई तो उसके LinkedIn के कनेक्शन 4.5-5,000 हो चुके थे। पर एट द एंड कनेक्शन से क्या होता है, हर बीटेक कॉलेज के बच्चे को एक स्टेबल जॉब चाहिए जहां पर एवरेज पैकेज से ऊपर एक प्लेसमेंट मिल रही हो। पर राकेश के केस में बहुत ही बुरा हाल था। उस साल उस कॉलेज में प्लेसमेंट बहुत ही खराब हुए क्योंकि वो पोस्ट कोविड बैच था जिसमें रिसेशन का माहौल था और प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस, स्पेशली थर्ड ईयर कॉलेजेस में प्राइवेट कंपनीज जा ही नहीं रही थी। इसलिए CSIT के ब्रांच के बच्चों की तो प्लेसमेंट हालत खराब थी, तो ये बात वो एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकता था कि इलेक्ट्रिकल ब्रांच के होते हुए उसके कॉलेज में उसकी प्लेसमेंट लग जाएगी। और हुआ भी ऐसा ही, 4 साल बाद प्लेसमेंट सीजन आकर कब चला गया ये उसे पता भी नहीं चला क्योंकि उसके CSIT ब्रांचेस के बच्चों के प्लेसमेंट लग तो रहे थे पर राकेश के प्लेसमेंट का कुछ ठिकाना नहीं था। स्ट्रेस में आकर राकेश ने भी वैसा ही किया जो कि और भी कोई इंसान करता, वो LinkedIn के अपने कनेक्शंस को जो कि उसने 4 साल में बनाए थे यानी कि 4.5-5,000 लोगों को रैंडमली रीच आउट करना शुरू किया, उनको रिक्वेस्ट करना शुरू किया, अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया कि मैंने इन प्रोजेक्ट्स पे 4 साल पे काम किया है, मैं इस कॉलेज का ग्रेजुएट हूं और मुझे ये सारे स्किल्स आती हैं। और लकीली 4 साल बाद जब वो ग्रेजुएट हुआ उसी कॉलेज से राकेश के पास 3 प्लेसमेंट ऑफर्स थे, और वो प्लेसमेंट ऑफर्स ऐसे वैसे नहीं थे, राकेश के ऑफ कैंपस हाईएस्ट पैकेज की जॉब लग गई थी, वहीं जहां उसके कॉलेज के एवरेज प्लेसमेंट में 3-4 LPA की जॉब ले रहे थे, राकेश को 12-15 LPA की जॉब मिल गई थी। एंड दैट वॉज बिकॉज ऑफ द कनेक्शंस दैट ही मेड ड्यूरिंग हिज इंजीनियरिंग कॉलेज जर्नी ऑन LinkedIn। अगर मेरी मानो तो आज के टाइम पे LinkedIn से बड़ा और LinkedIn से अच्छा टूल कुछ तुम्हारे पास है ही नहीं, एज एन स्टूडेंट या फिर एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो कि आज मैं भी जॉब कर रहा हूँ। LinkedIn से अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है अगर तुम्हें एक जॉब चाहिए। अगर मैं अपने बारे में बताऊं, मुझे भी कॉलेज से इंफोसिस और कॉग्निजेंट में पहली जॉब मिली थी जहां पर मेरी पैकेज सिर्फ 4-4.5 LPA के बीच थी, पर जल्द ही मैंने अपना LinkedIn पे प्रोफाइल बनाया, अपने प्रोजेक्ट्स को फ्लेक्स करना स्टार्ट किया और जल्द ही मेरे पास एक ऐसी जॉब थी जिसकी पैकेज 10 LPA से ऊपर थी। एज अ स्टूडेंट अगर तुम कॉलेज जाने वाले हो या फिर एक ऐसे इंसान हो जो कि थर्ड और फोर्थ ईयर में आ चुके हो, या फिर तुम एक ऐसे इंसान हो जो कि कॉलेज से ग्रेजुएट हो चुके हो पर तुम्हें कोई जॉब नहीं मिली है, या फिर एक जॉब तो मिली है बट बहुत ही कम पैसे की, देन तुम्हें इस वीडियो के आगे के 5 मिनट जरूर देखना चाहिए क्योंकि अगले 5 मिनट में मैं तुम्हें बताऊंगा कि LinkedIn क्या चीज है, LinkedIn को इस्तेमाल कैसे करते हैं और कैसे LinkedIn तुम्हें एक बहुत ही अमेजिंग जॉब दिलवा सकती है। मैंने ऐसे ढेर सारी कहानियां सुनी है और अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस भी देखा है। मेरे पास आज तक 9 ऑफर लेटर्स आए हैं और 9 में से 6 सिर्फ और सिर्फ LinkedIn से आए हैं। तो आओ मैं तुम्हें बताता हूँ योर बेस्ट गेटवे, हाउ कैन यू मेक अ LinkedIn प्रोफाइल जो कि तुम्हें एक अच्छे जॉब को लेने में हेल्प करेगा। और आई एम श्योर कि तुम अगर इन सेटअप को फॉलो करते हो देन तुम्हारी अच्छी जॉब तो पक्की है। और एंड में मैं तुम्हें अपने LinkedIn प्रोफाइल का नाम बताऊंगा जहां पर तुम डायरेक्टली मेरे LinkedIn पे जा सकते हो, मेरे प्रोफाइल को चेक कर सकते हो और मेरे एकेडमिक डिटेल्स को सर्च कर सकते हो।
तो सबसे पहला सवाल आता है कि आखिर लिंक्डइन है क्या चीज। लिंक्डइन एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जस्ट लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर थ्रेड। इंस्टाग्राम पे तो अपने फोटोज अपलोड करते हो, अपने लाइफ अपडेट्स देते हो कि तुम कहाँ कहाँ घूम रहे हो, अपने दोस्तों के साथ हो, पार्टी करो, एटसेट्रा। और लिंक्डइन पे भी तुम सेम काम करते हो, लाइफ अपडेट्स तो देते हो बट वहां पर अपने तुम घूमने के नहीं बल्कि अपने प्रोफेशनल लाइफ के, तुमने क्या सीखा, तुमने अपने कॉलेज में या फिर अपने जॉब लाइफ में क्या काम किया, तुम्हारी प्रमोशन हो गई या तुमने कुछ बहुत ही अमेजिंग रिसर्च करके फाइंड आउट किया, ऐसे प्रोफेशनल गोल्स जो कि तुम अचीव करते हो, इन चीजों को तुम लिंक्डइन में पोस्ट करते हो। फॉर्मेट बिल्कुल सेम है इंस्टाग्राम और फेसबुक की तरह, तुम्हारे पास पोस्ट करने का ऑप्शन आता है, कैप्शन डालने का ऑप्शन आता है और तुम्हारे पास मैसेजेस में चैट करने का ऑप्शन आता है। लिंक्डइन के थ्रू तुम ढेर सारे लोगों को रीच आउट कर सकते हो। इंस्टाग्राम के थ्रू तुम किसी भी रैंडम इंसान को अपना रिज्यूमे नहीं भेज सकते हो कि सर मुझे जॉब चाहिए, ये मेरी प्रोफाइल है, क्या आपकी कंपनी वैकेंसी खाली हो। बट लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर तुम रैंडमली लोगों को रीच आउट कर सकते हो कि हाय माय नेम इज दिस, आई वांट टू गेट अ जॉब एट योर ऑर्गेनाइजेशन, माय प्रोफाइल इज दिस, आई फील एट दिस पोजीशन ऑफ योर कंपनी आई विल बी अ वेरी गुड फिट। एंड इफ अगर उस इंसान की कंपनी में वैकेंसी खाली होगी देन आई एम 100% श्योर वो इंसान भी तुम्हें अपने कंपनी में रेफर करेगा और तुम्हारे जॉब मिलने के चांसेस बहुत ही बढ़ जाते हैं। इंस्टेड अगर तुम किसी रैंडम वेबसाइट्स यानी कि naukri.com, Indeed इन सब वेबसाइट्स पे हायर करते हो देन एट फर्स्ट तुम्हारा प्रोफाइल ATS के द्वारा रिजेक्ट ही हो जाता है। सो अगर तुम किसी कंपनी के एम्प्लॉय को डायरेक्ट रीच आउट करते हो, डायरेक्टली तो अपना रिज्यूमे भेजते हो और बताते हो कि मुझे जॉब चाहिए, देन वो इंसान तुम्हारा इंटरव्यू शेड्यूल करवाएगा और डायरेक्ट पाथ तुम्हारा खोल देगा जहां पर तुम्हारा रिज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग का स्टेप डायरेक्टली माइनस हो जाता है। तो इसलिए लिंक्डइन एक बहुत ही अच्छा तरीका है जहां पर तुम लोगों को रीच आउट कर सकते हो और तुम्हारी प्रोबेबिलिटी सिलेक्शन के बहुत ही बढ़ जाते हैं। पर अब सवाल आता है कि एज अ कॉलेज स्टूडेंट तुम्हें लिंक्डइन कब ज्वाइन करना चाहिए। वेल, मेरी मानो तो तुम्हें लिंक्डइन तो फर्स्ट ईयर से ही करते रहना चाहिए जहां पर तुम अपने कॉलेज के लाइफ अपडेट्स डालोगे, अपने टीचर्स, अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स और अपने कॉलेज के एलुमनाइज को फॉलो करोगे, अपने कॉलेज के अपडेट्स शेयर करोगे, अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में शेयर करोगे, जो भी चीज एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हो उनके बारे में शेयर करोगे और जो भी लर्निंग्स कर रहे हो कॉलेजेस में उनके बारे में शेयर करोगे। पर इवन इफ चलो मान लेते हैं तुम अपने फर्स्ट ईयर में प्रोफाइल बनाना भूल गए या फिर नहीं मनी किया, आलस आ गया या जो कुछ भी, ये बात याद रखना कि कॉलेज के थर्ड ईयर में कैसे भी करके थर्ड ईयर में तो प्रोफाइल बनानी ही है। इस बात की मिस्टेक बिल्कुल ही मत करना कि थर्ड ईयर में आ गए और अब तक प्रोफाइल नहीं बना पाए हो। कॉलेज के थर्ड ईयर में लिंक्डइन प्रोफाइल होना मस्ट हैव है क्योंकि आज के टाइम पे तुम्हारे कॉलेज के प्लेसमेंट की गारंटी कोई नहीं ले सकता है। तुम्हें वहां पर जॉब मिलेंगे नहीं मिलेंगे किसी को नहीं पता, पर लिंक्डइन से तुम्हारे प्लेसमेंट होने के चांसेस बहुत ही बढ़ जाते हैं। पर सवाल ये आता है कि तुम लिंक्डइन प्रोफाइल तो बना लेते हो पर उस पर पोस्ट क्या करोगे या फिर अपने लिंक्डइन को यूज कैसे करोगे। तो जैसा कि मैंने बताया, लिंक्डइन प्रोफाइल का पहला स्टेप है कि एक अच्छी प्रोफाइल बनाना। ये बात को ध्यान रखना कि लिंक्डइन एक बहुत ही प्रोफेशनल जगह है, तो जो भी डिटेल्स तुम वहां पर दे रहे हो ध्यान रहे कि तुम बहुत ही प्रोफेशनल लैंग्वेज में दे रहे हो उसे। फॉर एग्जाम्पल, माई नेम इज देवांशु राज, आई बिलोंग टू XXX कॉलेज एंड आई एम अ स्टूडेंट ऑफ दिस ईयर ऑन दैट ब्रांच। इस तरीके से प्रोफेशनली अपने प्रोफाइल को अपडेट करो, अपने कॉलेज तो अपने स्कूल का सही सही डिटेल्स दो और कोशिश करो कि अपने प्रोफाइल को वेरीफाइड कर लो, इससे सामने वाले का तुम्हारे प्रोफाइल पे ट्रस्ट बढ़ जाता है। सो एक बार तो अपना प्रोफाइल बना लेते हो, अब सेकंड स्टेप आता है कि तुम्हें पोस्ट क्या करना है। ये जरूरी नहीं है कि तुम डेली पोस्ट करो, जस्ट लाइक इंस्टाग्राम और फेसबुक वहां पर तुम डेली पोस्ट नहीं करते हो पर एक महीने में, 15 दिन में या वीक में तुम पोस्ट करते ही हो अपने लाइफ अपडेट्स के बारे में, कुछ भी चीजों के बारे में। तो उसी तरीके से एक महीने में, 15 दिन में या फिर वीकली ही सही अपने कॉलेज लाइफ अपडेट्स के बारे में वहां पर शेयर कुछ ना कुछ करो, कुछ थॉट्स शेयर करो कि तुमने कॉलेज लाइफ में क्या सीखा, अब तक एक महीने में तुमने क्या सीखा, एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे उसमें क्या सीखा, कॉलेज के एजुकेशन सिस्टम से तुम्हारी क्या लर्निंग हुई, तुम्हारा क्या फीडबैक है, तुम्हारे मिनी प्रोजेक्ट्स क्या है, तुम्हारे CSIT के कुछ प्रोजेक्ट्स है तो उसके बारे में डालो, तुम्हारे इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल ब्रांच के भी प्रोजेक्ट्स है तो उनके बारे में डालो, उनका आउटकम क्या है, उनके हाउ टू के बारे में डालो, ऐसे ढेर सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में अपने लिंक्डइन प्रोफाइल में डालते रहो। और थर्ड जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप आता है कि तुम्हें कनेक्शंस क्या बनाते हैं। जैसे कि इंस्टाग्राम और फेसबुक में बोलते हैं फ्रेंड रिक्वेस्ट और फॉलो रिक्वेस्ट भेजना, उसी तरीके से लिंक्डइन में बोलते हैं कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजना। सो लिंक्डइन में यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारे कनेक्शन तुम्हारे सही फील्ड के इंसान के साथ हो। अगर मैं CSIT का स्टूडेंट हूँ तो मैं ये नहीं चाहूंगा कि मेरे सारे कनेक्शन डांसिंग फील्ड के हो, या फिर मैं अगर एक डांसर हूँ तो मैं ये कभी नहीं चाहूंगा कि मेरे सारे कनेक्शन CSIT के फील्ड के हो। तो उस तरीके से अपने कनेक्शंस को बनाओ जिस तरीके से तुम्हारी नीड हो। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक CSIT का स्टूडेंट हूँ या फिर मैं एक इलेक्ट्रिकल ब्रांच का स्टूडेंट हूँ पर मुझे एक CSIT के फील्ड में जॉब करना है, तो इसीलिए मैं जब अपने कॉलेज के फाइनल ईयर में था मैंने अपने कनेक्शन ऐसे एस्टेब्लिश किए जो कि कभी ना कभी CSIT के स्टूडेंट्स हैं। यानी कि नंबर वन, मैंने सबसे पहले अपने कॉलेज के टीचर्स को ऐड किया जो कि CSIT के ब्रांच के थे। नंबर टू, मैंने अपने कॉलेज के एलुमनाई को ऐड किया जो कि मेरे कॉलेज से पास आउट हो चुके थे और CSIT ब्रांच से बिलोंग करते थे, आज जो कि एक अच्छे पोजीशन पे
आईटी कंपनी में जॉब कर रहे थे, और थर्ड मैंने रैंडमली ढेर सारे इंसान को रिक्वेस्ट भेज दिया जो कि किसी बड़े एमएनसी में जॉब कर रहे थे, और मैं उस एमएनसी में जॉब करने का सपना देखता था उस टाइम पे। मैंने खुद की ये आदत बना ली थी कि हर दिन एटलीस्ट 10 कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजूंगा, और ये आदत तुम्हें भी बना लेना चाहिए। लिंक्डइन, इंस्टाग्राम और फेसबुक से इस मामले में काफी अलग और काफी प्रोफेशनल है। इंस्टाग्राम पे अगर तुम 10-15 रिक्वेस्ट डेली भेजने लग जाओगे तो बहुत ही क्रिंज साउंड करेगा, बट लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर तुम्हें डेली एटलीस्ट 10-20 कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजने ही चाहिए, क्योंकि लिंक्डइन पे तुम्हारे जितने ज्यादा कनेक्शन होंगे उतने ज्यादा तुम्हारे प्रोजेक्ट या फिर तुम्हारे प्रोफेशनल लाइफ की विजिबिलिटी बढ़ेगी, और जिस टाइम पे तुम्हें नीड होगा प्रोफेशनल लाइफ में हेल्प के लिए, ट्रस्ट मी, लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म से ज्यादा हेल्प तुम्हारा और कोई नहीं कर सकता है। इसके बाद फोर्थ और आखिरी स्टेप है एक अच्छे लिंक्डइन प्रोफाइल का, वो ये है कि डेली तुम्हें लिंक्डइन पे एटलीस्ट 15-20 मिनट के लिए इंगेज होना ही है। इंडस्ट्री लीडर्स के साथ कनेक्ट करना है, कनेक्ट करने का मतलब उनके पोस्ट को लाइक करना है, उनके पोस्ट पे जेन्युइन कमेंट करना है, ये नहीं कि नाइस पिक नाइस डीपी ऐसे वाले कमेंट। अगर उन्होंने अपने प्रोजेक्ट का कुछ टेक्निकल एक्सप्लेनेशन दिया है देन उस टेक्निकल एक्सप्लेनेशन पे तुम्हारा क्या थॉट है, तुम्हें क्या लगता है इस चीज को और बेहतर बनाया जा सकता है, इस बारे में कुछ कमेंट करना है इंडस्ट्री लीडर्स के पैनल में या फिर किसी भी बारे में, और अपने लिंक्डइन फीड को डेली एटलीस्ट 15-20 मिनट चेकआउट करना है। अब डेली नहीं भी कर रहे हो तो एटलीस्ट 2-3 दिन में तो करना ही करना है, और इसी के साथ तुम्हारा एक लिंक्डइन प्रोफाइल बनके तैयार हो जाता है जो कि तुम्हें एक अच्छा जॉब दिलवाने की बहुत ही ज्यादा हाई चांसेस कैरी करता है। ट्रस्ट में ये ट्राई करके देखो, अगर ये तुम्हारे लिए वर्क नहीं भी करता है देन इसमें लॉस कुछ भी नहीं है, तुम्हारे कनेक्शन बढ़ेंगे जो कि आज नहीं तो कल तुम्हारे काम आएंगे ही आएंगे, इस बात को तो मैं गारंटी दे सकता हूँ, पर मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। और जैसा कि मैंने राकेश की स्टोरी में भी बताया, राकेश जो कि इलेक्ट्रिकल ब्रांच का स्टूडेंट था उसे CSIT में जॉब मिला, और ना कि सिर्फ जॉब मिला बल्कि अपने कॉलेज की वन ऑफ द हाईएस्ट प्लेसमेंट की कैटेगरी में जॉब मिला, और वही राकेश जिसे कि अपने कॉलेज की ऑन कैंपस प्लेसमेंट में जॉब मिला ही नहीं था। सो जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, ये है मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट। लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाओ, मेरे प्रोफाइल को सर्च करो, मुझे कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजो, लेट्स कनेक्ट ऑन लिंक्डइन। प्रोफाइल को रिव्यू करके अपने प्रोफाइल को बनाओ, अगर तुम ऑलरेडी लिंक्डइन प्रोफाइल बना चुके हो या फिर अब जाकर बनाने वाले हो देन अपने प्रोफाइल का URL या फिर अपने प्रोफाइल का नाम इस वीडियो के कमेंट में जरूर से जरूर शेयर करना। मैं तुम्हारे प्रोफाइल को रिव्यू करूंगा और बताऊंगा कि तुम्हें इसमें और क्या क्या चेंजेस करने चाहिए। ऐसे ही और अमेजिंग वीडियोस और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जिससे कि तुम अपने प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज के लाइफ को अमेजिंग बना सकते हो, एक अच्छी जॉब ले सकते हो इन स्पाइट ऑफ बिलोंगिंग टू अ 3-tier कॉलेज। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, और कमेंट में अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को डालना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।